आंधी तूफान में धाराशाही होकर गिरा पेड़, मकान हुआ क्षतिग्रस्त, बेघर हुआ परिवार। ग्राम पंचायत माहौर की घटना। गुना जिले में आई आंधी तूफान से कई लोगों के घर में काफी नुकसान हुआ। ग्राम पंचायत माहौर स्थित आंधी तूफान से एक बरसों पुराना पेड़ धराशाही होकर घर पर जा गिरा, जिससे काफी नुकसान हुआ। रतनलाल अहिरवार के घर पर पेड़ गिरने से पूरा घर क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें पूरा परिवार पर संकट आ गया। परिवारजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बलराम भार्गव जी। बताइए क्या घटना हुई है? रतनलाल के पास में रहते हैं। काल जोर से आंधी चली तो बरसों पुराना पेड़ था देवता के स्थान पर, तो घर पे गिर गया। बहुत नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उसके पास में ना खाने के लिए व्यवस्था है, ना रहने के लिए व्यवस्था है। तो ऐसी मदद मांग रहे हैं हम शासन से कि हमारे लिए कुछ मदद करें। हमारे पास में ही रहते हैं। तो पूरा पेड़ घर के ऊपर गिर गया? पूरा पेड़ गिर गया घर के ऊपर, कुछ भी नहीं बचा उसके घर में। नाच पानी खाने के लिए था, वो भी फैल गया उसका। तो क्या अच्छा मकान था इनका? कच्चा भी था और पक्का भी था, दोनों तरह का मकान था। तो कोई चोटिल वगैरह नहीं बच गए? सारे लोग नहीं, वो उसमें रात में होते तो सारे लोग उसमें ही रह जाते। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा पेड़ था। कौन सी जगह का मामला है? जी खुशालपुर का है, ग्राम पंचायत माहौर। अच्छा, ग्राम पंचायत माहौर। हाँ। अच्छा, तो इनका नाम क्या है पीड़ित का? रतनलाल अहिरवार। अच्छा। पिताजी का नाम तुलसीराम अहिरवार, ग्राम खुशालपुर के रहने वाले हैं, हमारे पास में ही रहते हैं। अच्छा। बहुत गरीब व्यक्ति हैं। तो क्या अभी कोई प्रशासन वगैरह आया था क्या निरीक्षण? हाँ, पटवारी जी को रिपोर्ट दी है इसकी। अच्छा। हाँ चलो ठीक है।